23 अगस्त 2023 को इसरो ने इतिहास रचा जब प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था। यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि भारत ऐसा पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन सफलतापूर्वक भेजा हो। इसके बाद जब सितंबर में विक्रम लैंडर ने हॉप टेस्ट किया तो उम्मीद जगी कि हम केवल मिशन को भेज ही नहीं सकते बल्कि वापस भी ला सकते हैं। अब इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती की कक्षा में स्थापित कर एक और कामयाबी हासिल कर ली है। इसका सीधा मतलब है कि इसरो प्रोपल्शन मॉड्यूल को धरती पर वापस ला रहा है। इसके लिए इसरो ने रिटर्न मैन्यूवर किया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 10 नवंबर को चंद्रमा से वापस धरती की यात्रा शुरू की। पिछले 22 नवंबर को यानी धरती के निकटतम बिंदु से होकर गुजरा। यह प्रयोग चंद्रमा से नमूने वापस लाने के मिशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। योजना के मुताबिक इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में केवल 3 महीने तक रहना था, लेकिन इसमें 100 किलोग्राम ईंधन बचा रह गया था। इसरो ने उस ईंधन का उपयोग कर प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस धरती की कक्षा में लाने का फैसला किया जिससे सैंपल रिटर्न मिशन के लिए अहम जानकारियां जुटाई जा सकी।